नमस्कार। देखिए, हम काम में बिजी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि KEA में ऑप्शन फिलिंग कैसे करनी है। आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ अपने स्टूडेंट का, ठीक है? सबसे पहली बात जो मेरा स्टाफ हमेशा ऐसे जाता हूँ, एक चीज़ नोट कीजिए। आप कई लोग ट्राई कर रहे होंगे और आपका एरर आ रहा है CET। वो हुआ क्या है कि जो वेरिफिकेशन स्लिप जिन्होंने पहले डाउनलोड की थी, आपको याद होगा कि ना ये बीच में आया था ना, लास्ट चांस टू अप्लाई। तो मैंने क्या, हमारा तो काम होता है अपने आप एनालिसिस करना, जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन सामने अवेलेबल होती है, राइट? तो हम सभी जानते हैं कि 3 4 दिन पहले दोबारा खुला था, जबकि ये 1 से 2 के बीच में, और वेरिफिकेशन स्लिप कब आ गई थी? 31st को। तो जिन लोगों ने 1 तारीख को डाउनलोड कर लिया थी वेरिफिकेशन स्लिप, उन सबके CET नंबर चेंज हो गए हैं। अब CET नंबर से भी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। ये घबराइए मत, जब आप एक वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करें ना, वो एक बेसिकली पर्ची होती है जिसमें 5 6 चीज़ें होती हैं। उस पर एक स्पेशली CET नंबर दिया जाता है जो कर्नाटका की तरफ से दिया जाता है। ओके, ये देखिए, ये CET नंबर है। फिर से मैं आपको छोटी सी वजह झलक दिखाऊंगा एक बच्चे की, जिसका ये नंबर है, और ये आधा नंबर इन्होंने डाला हुआ है M तक। तो R4689, देखो M तक है ना, तो आप डालोगे R4689, और अभी नया नंबर है। हमारे तो सारे बच्चे वही थे जिनका पहले हम करवा चुके थे ना, तो फिर चेंज हुआ क्योंकि अब कहोगे कि एप्लीकेशन नंबर, अब ये नंबर भी उसी में डला हुआ था जो कि आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप, एक पूरा पेपर होता है, स्लिप के नाम से मत घबराइए। अभी लोग हमेशा कहते हैं कि सीक्रेट कोड की है वो संभाल के रखनी चाहिए, तो सीक्रेट की कोड एक ऐसी चीज़ है कि आप लोग, चूंकि स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना मेरे को दिखाने का मेरा फर्ज बनता नहीं है, और आपने वो डाली है, ठीक है? अब वो कहते हैं नया पासवर्ड डालो, जो पुराना था उसको हटा के। तो हमने एक नया डाल दिया, मैं वो डाल देता हूँ, क्योंकि हम सब पास स्टैंडर्ड रखते हैं, तो मैं वो डाल देता हूँ, ठीक है? ये आपसे आपका ईमेल आईडी पूछते हैं, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी भी डालेंगे। मैं इसको वीडियो के 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, और ईमेल डाल के आपको दोबारा फिर दिखाता हूँ, ओके? और फिर ईमेल आईडी और एक सीक्रेट क्वेश्चन करके आप इस पेज पर आ गए। ये हो गया ऑप्शन एंट्री पेज, कैंडिडेट ऑप्शन एंट्री। अब इसी मौके पे मैं आपको कनाडा के रूल समझाता हूँ कि कैसे ऑप्शन 1 और 2 चलती है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे चूंकि मुझे तो सारे सेफ है, पूरा हिंदुस्तान नंबर 1 पे सेंट जॉन्स डालता है, अपन भी डाल देते हैं। नंबर 2 शुरू होता है, लोग कैंपेगौड़ा डालते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर डालते हैं। अब आप लेफ्ट में देखो, कॉलेज कई तरह के हैं, पर फीस यहाँ, अब ये जो 40 लाख की फीस है, ये होता है जो उनका फेमस अदर कोटा होता है, राइट? क्योंकि ये बच्चा NRI नहीं है, इसको NRI नज़र ही नहीं आ रहा है। हमने 1 2 3 कर दिया, अभी हम थोड़ा तेज चल लेंगे, और शायद आपको लाइव भी दिखेगा कैसे होगा। इसमें नंबर 4 डाला, 4 डाला, सॉरी, हमारा हमेशा ही रहता है। अब ये ईस्ट पॉइंट कहने को बेंगलोर में है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी ये है जो कर्नाटका के माइनॉरिटी कॉलेज हैं, बड़े काफ़ी अच्छे गिने जाते हैं वैदेही। नंबर 5 डाला मैंने, ये नंबर 6 डाला। उसके बाद मैंगलोर शुरू हो जाता है, एक बड़ा फेमस फादर मुलर है, मैंने नंबर 60 डाला फिलहाल, क्योंकि यही लिस्ट यहाँ पर आएगी, ओके? और अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि फिर से मेरा इंटर, अब ये देखिए जो फेमस बेंगलोर के थोड़ी बाहर की तरफ है, मैं वो ले रहा हूँ। 8 आकाश लिया मैंने नंबर 9 पे, और फिर मैं वो अभी आ गया विद इन प्राइवेट। देखिए, ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट ये डीम्ड वो वाली डीम्ड नहीं है जो MCC में आती है, राइट? ये मैं आपको हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बेंगलोर स्टेट प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो खुद की डिग्री देती हैं, तो बन जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बाकी ऊपर के जितने कॉलेज थे, वो आपको डिग्री देते हैं सरकारी। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? 9 नंबर तक आ गए थे, ठीक? अब इसमें ही देखिए, सारे महंगे शुरू होते हैं 20 लाख वाले पैकेज में। अब मैं जानता हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट है, ये 20 लाख नहीं देना चाहता, और इसके अंदर फेमस MS राम्या भी आ गया आपको 22 लाख वाला। याद है राम्या ने फीस चेंज कर दी थी, बट जिनकी अफोर्डेबिलिटी है, लेट से आपके 450 नंबर हैं, यू कैन एक्चुअली गेट MS राम्या, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा फिलहाल ये बच्चा है, कोई भी क्या चाहता है, हम 9 के बाद फील्ड ढूंढते हैं, और जो हमेशा हमारा रहता है जस्ट टू अवॉइड लैंग्वेज इशू एंड ऑल दैट, हम पहले कोशिश। अब ये देखिए 750 रुपये फीस। आइए आपको ये भी क्लियर कर दूँ, और आपको ध्यान रखना है, श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट, जो सत्या साई फेमस संत प्रीचर हैं, उनके अंदर जो कॉलेज खोला गया, जो इसी साल खोला गया है, जहाँ बिल्कुल नॉर्मल फीस 750 रुपये साल की रखी गई है, लेकिन ध्यान रखिए
इस कॉलेज में 5 साल बॉन्ड है, 5 साल आपको फ्री सेवा देनी पड़ेगी कॉलेज के अंदर। तो ये लिस्ट डालने से पहले सोच समझ के डालिए। देखिए, जो आपके पास बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आपके नंबर 500 हैं, आप इस कॉलेज को ले सकते हैं, क्योंकि MBBS करने के बाद 5 साल फ्री की सेवा देने में बहुत दुख होगा। दैट टाइप ने फ्री नहीं, आपको पैसे मिलेंगे, आपको नॉर्मल MBBS की सैलरी मिलेगी, बट आपका PG, आपका बहुत कुछ अटक जाएगा। PG के लिए जाओगे, इनके सारे पैसे देने पड़ेंगे जो इनकी फीस है। तो ये सोच समझ के, ठीक है, इस तरह आप अब फिलहाल हम सारे भर देते हैं जो कि हमारे 10 लाख वाले रेंज में है, और ऑफ कोर्स वी कैन चेंज द ऑर्डर आफ्टर दैट, ठीक है। तो फिलहाल मैं वो भर रहा हूँ सारे जो जिसके लिए हम कर्नाटका जाते हैं, वरना इतना महंगा खर्चा करना, फिर तो बहुत कॉलेज इंडिया के हर कोने में अवेलेबल है, और बेंगलोर के बाहर निकलते ही बेंगलोर बेंगलोर मैसूर के बाहर बहुत दिक्कत है लैंग्वेज की, राइट। ऐसा तो है नहीं ना कर्नाटका के सारे कॉलेज शानदार है, वो भी सारी फीस दे के। छूट गया था, इसका ऑर्डर बाद में चेंज करना, ये फिलहाल हमने सत्य साई छोड़ दिए, ठीक है। ये लास्ट का एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, तो 750 रुपये वाला छोड़ के हम 25 तक आ गए, ठीक। अब 16 लाख वाला भी बच्चे को नहीं चाहिए, फिलहाल अपने छोड़ रखा है, सेव एंड सबमिट किया। देखिए यहाँ पर आ गया, और आपको ये भी नज़र आ रहा है, हमने चेक कर लिया, कोई अपने 10 लाख से ज़्यादा तो नहीं ले लिया है, और आप ऐसे प्रिंट भी निकाल सकते हो कि आपने कौन कौन सा कॉलेज भरा है, ठीक है ना। आ रहे हैं सारे, ये आपको रखने अपने पास। अब मेन दिक्कत, अब यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि अब मुझे सील ऑर्डर चेंज करना है, 5 और 8 को एक्सचेंज करना है, उस लिस्ट को देख के जो मैंने निकाली थी। मैं 8 की जगह कर दूंगा, 5 की जगह 8 कर दिया मैंने, 8 की जगह मैंने 5 कर दिया, 8 की जगह मैंने 5 कर दिया, अपडेट कर दिया इसको मैंने, अब ये चेंज हो गया उसके हिसाब से, अब मेरा सीक्वेंस चेंज हो गई है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको यहाँ नज़र मारते हैं, जो आप लोग मारोगे, अंबेडकर में ओ कोटा ख़त्म हो गया, कैंपे कोटा 40 लाख साल की फीस मांग रहा है, चित्र दुर्गा का कॉलेज है 28 लाख मांग रहा है, रीजनेबल फीस है, पर भाई हम कहते हैं 28 लाख रुपए में तो फिर बहुत ऑप्शन है ना आपके पास इंडिया में, 35 लाख, 40 लाख, ये 25 लाख मांग रहा है, ये भी कहीं बाहर पड़ता है। जया जगत गुरु कॉलेज अच्छा है, 45 लाख, 39 लाख, 38 लाख, 27 लाख, 30, 25, 24, और इन्हीं में से कुछ कॉलेज होंगे जो आपको नेगोशिएशन या वो सब आपके साथ बातें की जाती हैं, ठीक है। मेरिटी में 36, 40, 40, ये ख्वाजा बंदे नवाज वगैरह की नॉर्मल फीस भी थी जो 25 लाख की थी, ठीक है। 16 लाख की भी फीस आती है ख्वाजा बंदे नवाज, और इस सभी कट ऑफ इसलिए 500 के ऊपर जाती है जो भी रीजनेबल फीस के हैं। अब देखिए होता क्या है, जो आपको फ़ोन आते हैं या कहते हैं कि सीट दिलाएंगे, वो इसलिए आपको अदर सीट दिला रहे होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर बहुत अच्छा कॉलेज है, कनकपुरा रोड में, 20 लाख की फीस तो अपने आप भर जाएगी। 37 लाख वाली जो फीस है, ये आपको नेगोशिएट करके कहा जाता है कि 1.2, और ये सब फीस फिर से मैं कहता हूँ बिना हॉस्टल के, तो उसमें हॉस्टल की खर्चा जोड़ लीजिएगा, और ये सब खाली ही रह जाती हैं, लेकिन बहुत महंगी हैं। तो यही आपको नेगोशिएट करके दी जाती हैं एजेंट के थ्रू, या डायरेक्ट आप जाते हैं, हम भी हेल्प करते हैं नेगोशिएशन में, तो वो ये वाली सीटें होती हैं, ठीक है जी। अब ये सीटें भी कभी कभार आपको मॉपअप में मिल जाती है, मैं आपको बताऊं। यस, कैसे? क्योंकि अभी आपने देख लिया कि राउंड वन हुआ है, अब आप ना ब्रोशर में देखोगे जिसका मैं वीडियो अलग बनाऊंगा, ये जो मैंने राउंड वन में डाल दी ना ऑप्शन, ये फिक्स है। अब मैं राउंड, इसमें वेरियस वो है कि मुझे राउंड वन में सीट मिली, आई कैन हैव प्रैक्टिकली फ्री एग्जिट, बट मैं ऑप्शंस ऐड नहीं कर सकता राउंड टू में, तो मेरी ये फिक्स हो गई ऑप्शंस। अब लेट्स से राउंड वन में ना मेरे को ये वाली सीट मिल जाती है, ये वाली, और मैं नहीं लेके फ्री एग्जिट लेता हूँ, वो कर्नाटका में 4 ऑप्शन आती है, नंबर वन वही सीट पसंद है लेके रिपोर्ट कर दो, नंबर टू सीट पसंद है ली अपग्रेड के लिए डाला, नंबर तीन है ये सीट मिली मुझे पसंद ही नहीं है, मैं नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, नंबर चार मैं कौन से विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो कर्नाटका कहती है नंबर टू में तुमने ये लिया और तुम्हें अपग्रेड चाहिए ना, तो नीचे की तीन दिखनी बंद हो जाएगी तुम्हें राउंड टू में, जी हाँ। सिमिलरली तुमने ऑप्शन तीन ली, मतलब ये तुम्हें लोकेट हुआ था, और तुम कहते हो मुझे इसमें कुछ भी नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं जब तुम्हें ये नहीं चाहिए तो ये तीन भी नहीं चाहिए, तो अगले राउंड में तुम्हें खाली ये ऑप्शन नजर आएंगी अपने लॉगिन में। सोचिए ऐसा इनका सॉफ्टवेयर है, और जो जो चार करके विड्रॉ करके वो तो छोड़ ही दो, नंबर वन ने सीट ले ही ली, तो टू और थ्री दोनों में समझ गए आप कि टू में आपने सीट को होल्ड भी कर लिया, पहले पैसे देके ऑनलाइन पर रिपोर्ट नहीं करा,
तो राउंड टू में खाली आपको ऊपर की दिखेंगी ऑप्शंस। इसमें जैसे आपको ऑप्शन नंबर अगर 22 मिली है तो 1 से 21 की नजर आएगी राउंड टू में, और वो आप चेंज कर सकते हो ऑप्शंस, आपको जो मौका दे दिया, बट 22 के नीचे वाली ऑप्शन आएंगी नहीं आपके लॉगिन में। आपने 22 मिला था आपको, आपने ऑप्शन चॉइस 3 चूज करी, जो कि मैं आपको दूसरे वीडियो में समझा दूंगा, तो आपको नीचे की ऑप्शन नहीं आएंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग गलती क्या करते हैं, हमें लगता है सीट तो अभी हमें लेनी नहीं है, हर जगह फ्री एग्जिट है, फिलहाल हमें सारे 40 लाख वाले भी भर देते हैं, जो 30 लाख 40 लाख है ना वो भी भर देते हैं नीचे इसके। देखो तो 15 लाख वाला तो भर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने 40 भी भर दिया, इन्हीं पे नेगोशिएशन होती है। पर हम गलती क्या कर जाते हैं, अगर आपने यहाँ भर दिया तो मॉप अप कर्नाटका का रूल बड़ा क्लियर है, मॉप अप और स्ट्रे मॉप अप में पार्टिसिपेट करने का, कि राउंड वन या राउंड टू में आपको एक भी सीट अलोकेट होनी नहीं चाहिए। तो जबरदस्ती के मजे मत लीजिएगा, कुछ लोग क्या सोचते हैं, अभी नंबर है मेरे क्लाइंट है 250 नंबर है, कहते सर मिलना तो है नहीं, सारी भर देते हैं। मैंने कहा भाई चक्कर ये है कि क्या पता नीचे वाला मिल जाए, जो 40 लाख तो 40 लाख होते हैं ना। तो कहता ठीक है सर, वो तो वैसे भी 24 नंबर 35 है, मैं सबके लिए एलिजिबल रहूँगा। मैं सबके लिए तो रहोगे, बट ये जो सीटें हैं ये तो वैसे ही मिलना मुश्किल है। अब जब तुम्हारा मूड कर गया बाद में कि चलो मैं कर्नाटका से नेगोशिएटेड सीट लेता हूँ, आप ले ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने ये 35 लाख की सीट एलोकेट करा ली थी। तो राउंड वन राउंड टू में ये मैं सोचूँ मैं कुछ भी एलोकेट करा लूँ, उसके लिए जब मॉपअप होगा ऑफलाइन का कर्नाटका में, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर सबके सामने बात हो रही होती है, उससे पहले ही आपकी डील सेट हो जाती है और उस दिन आपको वो सीट वहाँ पर मिल जाती है। कई कॉलेज आपको ये भी बोलेंगे फिलहाल कि हम आपको चौथे में देंगे, पता है क्यों, क्योंकि वो तभी भी कोशिश करते हैं ना कि राउंड थ्री में भी उनके फुल पैकेज से सीट बिक जाए, और राउंड थ्री में सीट खाली रह जाती है, कोई लेने वाला नहीं होता उनके कर्नाटका के बेंगलोर में, तब वो आपको चौथे राउंड में नेगोशिएट करके असली में अलॉटमेंट लेटर देते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग कंसल्टेंट्स हैं हमारी तरह, हमने एक बार कमिटमेंट कर दी तो हम पूरी करवाते हैं कैसे भी करके। फिर हम कॉलेज पे प्रेशर डालते हैं कि आप 20 लाख का लालच मत कीजिए, आपको उस बच्चे को सीट देनी पड़ेगी। और इस कॉलेज का खास ध्यान रखिए श्री मधुसूदन साई का, ये 750 रुपये एक दो धारी तलवार है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा कर्नाटका का प्रोसेस लाइफ, कैसे आपको करना है, कैसे ऑप्शंस भरते हुए ध्यान रखना है। इसमें कोई चॉइस लॉक नहीं होता, इसमें ये भी होगा कि जब अभी खत्म होगा ना 2 दिन में, तो पहले एक मॉक अलॉटमेंट करते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से भी तब फिर भी आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, फिर आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा। और जब फाइनल अलॉटमेंट हो गई फिर आपकी चॉइस फंस गई राउंड वन और टू के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और थ्री में जब मॉप अप आएगा फिर आप अपने क्यू कोटा की सीटें मांग सकते हो। ओके, तो ये था आपकी जानकारी के लिए, हमसे संपर्क करना चाहें, हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहें, 9643362320 पे कॉल कीजिए, फर्स्ट कॉल भी चार्जेबल रहती है, मिलने आना है डेली ऑफिस में, मिलने आइए, वो मीटिंग भी चार्जेबल रहती है, एंड देन वी डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ काउंसलिंग पैकेज इज अप्रोप्रिएट फॉर यू। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।